बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अंजलि। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। पहले मैंने आपको मक्का की मार्केट और मदीना की मार्केट दिखाई थी पिछली वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वो भी देख सकते हैं। आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि हमने वो वहाँ से क्या ख़रीदा और कितने में ख़रीदा, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाऊँगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जो लगेज बैग नज़र आ रहे हैं ये मैंने ख़रीदे थे मज़ाया मॉल से और ये बहुत अच्छे हैं। तीन पीस मैंने लिए थे, एक छोटा मेकअप बैग था और ये थे, हमने लिए थे 400 रियाल के बने थे, तकरीबन 400 रियाल के बन गए थे क्योंकि एक जो था वो जो सबसे छोटा था वो 70 रियाल का था, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगी, और जो बड़ा है वो 120 रियाल तक है। तो बाकी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, और ये जो अल्लाह मोहम्मद के दीवार पे हैंग करने वाले हैं ये हम ये कपड़े के बने हुए हैं, ये हमने लिए थे 3-3 रियाल के। और उसके बाद हमने कुछ चादर ली थी, लेडीज़ चादर वाइट कलर की वहाँ से, और ये थी 20 रियाल की, 25 रियाल बोलता था तो 20 की हमने ये ली थी। और उसके बाद मैंने मज़ाया मॉल से अबाया लिया था जो कि ब्लैक कलर का है, फुल सिंपल अबाया है, जैसे अरेबिक अबाया होते हैं वो था। वहाँ से मुझे मिला था 90 रियाल का। और जो अभी आपको ब्लू अबाया यहाँ दिख रहा है, इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा था, ये मैंने मक्का से लिया था जो बाहर मार्केट है वहाँ से, और ये वाला मुझे मिला था 70 रियाल का। और इसके बाद जो मैंने ग्रीन वाला अबाया आपको पहले भी वीडियो में दिखाया था, ये ग्रीन अबाया मैंने लिया था, ये सेल लगी थी 30-30 रियाल की। तो ये मैंने ग्रीन कलर का एक लिया और एक ब्लैक कलर का सिस्टर का लिया था 30 रियाल का। उसके बाद ये हम लोगों ने वहाँ पर ये शूज़ लिए थे क्योंकि सही करनी थी और नीचे ठंड होती थी, फर्श ठंडे होते थे और पाँव में भी बहुत दर्द हो गई थी, तो उसके लिए ये हमने वहाँ से ली थी 10 रियाल की। और ये एक पैक था जानिमाज का और इसमें ये थी तस्बीह थी और एक सूरत थी, और ये भी हम लोगों को मिली थी 10 रियाल की। ये बिल्कुल सिंपल सी जानिमाज है और ये 10 रियाल की है पूरी। और इसके आपको नीचे रेड कलर का बैग नज़र आ रहा है, ये कॉटन टाइप है, ग्रीन और रेड कलर का कॉटन लिए थे ये हमने, और ये भी 10-15 रियाल के थे जो दो कॉटन हमने लिए थे और काफ़ी मज़बूत कॉटन थे। और उसके बाद जो मेरा दूसरा बैग आप यहाँ लगेज बैग देख रहे हैं, ये वाला दूसरा लगेज बैग है, दोनों के साइज़ सेम ही है और एक बिल्कुल छोटा है, मेकअप बॉक्स है। यहाँ आपको ये जो ट्रे गोल्डन कलर की नज़र आ रही हैं, ये मैंने दो इस तरह ये वाली ट्रे ली है और दो छोटी भी ली थी गोल्ड ट्रे, और ये हमें मिली थी 30 रियाल की दो। और यहाँ आप जो सीनरी देख रहे हैं ब्लैक कलर की, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाई थी, ये छोटी सीनरी है और ये है 15 रियाल की हमें मिली थी। और इसी तरह की हमने दो ली हैं, एक रेड और एक ब्लैक, तो एक हमें 15 रियाल की मिली है जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। और इसके बाद हमने एक ये जानिमाज ली है, जानिमाज ये भी जो है बहुत अच्छी थी, बहुत सॉफ्ट है, और ये हमें मिली थी वहाँ से 10 रियाल की एक जानिमाज। और इस तरह हम लोगों ने ये वाली जानिमाज 5 ली है, तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत थी और डिफरेंट इनके डिज़ाइन थे। ये इस पर मकाम इब्राहिम बना है, एक लिया हमने उस पर काबा बना हुआ है, और एक पे काबे का दरवाज़ा बना है, और एक रेड कलर की ली है, 3 ब्लैक ली है, एक रेड कलर की और एक इस ऑफ वाइट कलर की, ये सारी 10-10 रियाल की वहाँ पर थी और बहुत ही खूबसूरत थी माशाल्लाह। और जो बड़ी सीनरी है वो ये आपको यहाँ दिख रही होगी, ये सीनरी हम लोगों ने ली है मदीना से, और ये मदीना से हम लोगों को मिली थी 55 रियाल की, 55 रियाल की ये सीनरी है, और ये काफ़ी बड़ी है वॉल पे लगाने वाली। तो इस तरह की पहले हमारे पास थी, वो कतर से आई थी तो उस इसलिए दो थी हमारे पास पहले, लेकिन दो और लेनी थी तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ से ये और ली हैं दो, एक रेड कलर की ली है और एक ब्लैक कलर की ली है, ब्लैक भी आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत है और अच्छी भी है, और ये थी 55 रियाल की।
डिस्काउंट वो कर देते हैं, उन्होंने 60 बताया था तो तभी 55 दिया था। एक ये पैक लिया था, इसमें भी जानिमाज और तस्बीह और जो है सूरत लिखी हुई है, सूरत का एक है, तो ये भी थी 10-10 रियाल की। और ये आप जानिमाज देख रहे हैं, रेड कलर की बड़ी जानिमाज है, वो छोटी थी, ये थोड़ा सा साइज़ इसमें बड़ा है। तो ये जानिमाज है 15-20 रियाल की, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 15 रियाल की है। तो ये बहुत माशाल्लाह खूबसूरत है, अगर आप वहाँ से ये वाली लेकर आते और गिफ्ट देते हैं तो सब खुश हो जाएंगे इस तरह के। लेकिन वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा वहाँ से ला नहीं सकते हैं। उसके बाद आप को यहाँ पर वाइट कलर की जो ये जायनमाज दिख रही है, ये थोड़ा सा और स्टफ था, ये उससे अच्छे वाली हैं। और ये वहाँ से हम लोगों को मिली थी 45 रियाल की। ये दूसरी जानिमाज है, ये भाई के लिए अम्मी ने गिफ्ट लिया था, तो ये 45 रियाल की है। और एक ये ग्रीन कलर की ली है, सॉरी मैं पहले वो मुझे भूल गया, मैंने ब्लैक बोल दिया, ग्रीन कलर की है, एक रेड कलर की और एक ये ग्रीन कलर की। माशाल्लाह खूबसूरत है बहुत ज़्यादा और बहुत ही अच्छा स्टफ़ है, ये भी 55 रियाल की है। ये हमने मदीना से जो बाहर छोटी मार्केट है वहाँ से ली है, वो वहाँ से काफ़ी अच्छी और रीज़नेबल मिल जाती है। और वो ये है कि डिस्काउंट भी कर देते हैं। ये जो आपको इत्र नज़र आ रही है छोटे छोटे, चलें पहले रिंग्स का बता देती हूँ, भाई के लिए हमने रिंग ली थी और ये भी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, इसका भी आई थिंक 30 रियाल 30-40 रियाल था या 50 रियाल की आई, हाँ 50 रियाल की थी। और ये वॉलेट लिया था वहाँ से, ये भी 22-30 रियाल का था, शेखुल ऊद लिया था, इसके भी एग्जैक्ट प्राइस मुझे भी याद नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें थी वहाँ पर, जो छोटी छोटी चीज़ें हमने भाई के लिए गिफ्ट्स ये जो थे भाई के लिए सारी चीज़ें ली थी। और वहाँ से एक सूट लिया था ब्लैक कलर का, ये बहुत अच्छा स्टफ़ था और ये हमें मिला था 50 रियाल का। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वाइट कलर की, इस तरह की हमने ज़्यादा से मल्टी कलर में ली हैं, तो हम लोगों को ये सारी, हमने 10 तस्वीरें ली थी, एक तस्वीर हमें ये मिली थी 5 रियाल की। और मदीना से हमने मज़ाया मॉल में से कुछ ज्वेलरी ख़रीदी थी, बहुत खूबसूरत है, वो अभी आपको दिखाती हूँ। ये जो पाउच आपको नज़र आ रहा है, ये मदीना में जो बेसमेंट में आपको मैंने शॉप्स दिखाई थी, ये वहाँ से सेल जैसे लगी हुई थी 2-2 रियाल या 3-3 रियाल की, तो वहाँ से हम लोगों ने इस तरह के 2 पाउच लिए थे 2-2 रियाल के, और बहुत खूबसूरत ये लग रहे थे। और बाकी जो मैंने कुछ ज्वेलरी ली थी वो मज़ाया मॉल से ली थी, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और ये जो अभी आपको गोल्डन कलर के पाउच से नज़र आ रहे हैं, ये पाउच ज्वेलरी के लिए, ये किसी भी चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये वहाँ से मैंने 5 रियाल के 12 थे एक दर्जन, तो 12 जो हैं वो मैंने 5 रियाल के लिए थे। और इसमें डिफरेंट कलर थे, वाइट कलर के भी थे और रेड कलर के भी थे, तो मैंने गोल्डन लिए थे। और उसके बाद ये की रिंग है, बहुत ही खूबसूरत मुझे ये की रिंग लगा था। ये की रिंग मैंने लिया था 3 रियाल का, और इस तरह के हम लोगों ने 3 लिए थे, की रिंग लिए थे, ये 3-3 रियाल के थे। और इसमें डिफरेंट डिज़ाइन थे, बाकी कुछ और डिज़ाइन के थे, तो मुझे ये वाला अच्छा लगा था और इसलिए मैंने ये गोल्डन कलर का की रिंग लिया। उसके बाद मैंने ज्वेलरी जो कुछ ली थी वो अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ एक जो है ज्वेलरी वो है बैंगल्स और कड़े, जो हम लोगों ने कड़े हैं वो मज़ाया मॉल से ली हैं, और जो बैंगल्स हैं 4 वो हम लोगों ने बाहर मार्केट से लिए थे। यहाँ आपको जो कड़े हैं वो नज़र आ रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत कड़े हैं और पता ही नहीं चलता गोल्ड के हैं कि आर्टिफिशियल हैं। और ये हम लोगों ने मज़ाया मॉल से लिए हैं 40 रियाल के, आई थिंक 40-50 रियाल के, ये मज़ाया मॉल से 2 कड़े लिए थे। और बाकी जो बैंगल्स आपको नज़र आ रही हैं, ये 20 रियाल की एक बैंगल है, और ये मक्का मार्केट में भी पड़ी हैं और ये हमने मदीना से ली हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने ब्रेसलेट लिए थे, कुछ ज़्यादातर शॉपिंग हमने मदीना से की। ये जो अभी आपको ब्रेसलेट नज़र आ रहा है, ये 20 रियाल का था, लेकिन हम लोगों ने 15 के लिया था, तो हमने ज़्यादा लेने थे इसलिए हमने 4 लिए थे, तो उसने हमें 15 के लगा दिए थे, 15 रियाल के।
बाकी ये रिंग जो है ये भी 5 रियाल की थी, ये हमने मदीना की बाहर मार्केट से ली थी। और ये दूसरी रिंग है ये थी 20-30 रियाल की, और ये लॉकेट अम्मी को पसंद आए थे, ये 2-2 रियाल के थे। इस तरह के 2-3 लिए थे लेकिन वो बाकी गुम हो गए, एक पहना था तो गिर गया कहीं, और एक ये है। और ये मदीना से हम लोगों ने ज़्यादा शॉपिंग की है क्योंकि हमें बोला गया था कि मदीना में थोड़ा कम प्राइस होता है, मक्का में हाई प्राइस है, लेकिन मुझे मदीना और मक्का में सेम ही प्राइस लगे हैं। इनफैक्ट मक्का की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी वहाँ से अच्छी हैं क्वालिटी वाइज। और बाकी जो मैंने बैंगल्स ली थी मज़ाया मॉल से, वो पहले आपको ये कड़ा दिखा देती हूँ। ये एक ब्रेसलेट टाइप है, ये भी हम लोगों ने 2 लिए थे, एक अम्मी ने लिया था एक मैंने, और उनका डिज़ाइन और था, और ये भी बहुत खूबसूरत था। ये था 20 रियाल का, ये यहाँ से खुल जाता है और ये किसी भी साइज़ में मोटा हो पतला हो सबको आ जाता है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल था, टूटने वाला नहीं है, बहुत ही खूबसूरत था। और बाकी जो बैंगल्स हैं ये मैंने मज़ाया मॉल से ली हैं, ये बहुत खूबसूरत मुझे लगी थी, तो ये 2 बैंगल्स मैंने बस एज अ कड़े के तौर पर ली हैं। तो ये थी 40-50 रियाल की, ये भी थी मज़ाया मॉल से। और बाकी जो है यहाँ पर एक बैंगल मैंने वहाँ मक्का से ली थी, ये वाली, ये 20 रियाल की एक बैंगल उन्होंने मुझे दी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं ली क्योंकि अम्मी ने भी ली थी। और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने अपने ब्रेसलेट भी लिए थे, ब्रेसलेट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम लोगों ने ज़्यादा लिए, इसमें एक ये डिज़ाइन था, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, एक ये वाला डिज़ाइन था, ये आप देख सकते हैं। हम लोगों ने इस तरह के 4 ब्रेसलेट लिए थे, बाकी 2 सिस्टर के भी मैंने लिए थे। और एक मैंने ये वाला जो ब्रेसलेट लिया था वो थे 15 रियाल के, 15 रियाल का एक ब्रेसलेट था, और ये वाला 20 रियाल का था एक ब्रेसलेट। और ये जो रिंग थी ये मैंने रिंग ली थी 10 रियाल की, और बाकी ये जो रिंग्स थी ये हमने मज़ाया मॉल से ली थी, एक पैकेट मिला था और इसमें बहुत सारी थी, और ये सारी रिंग्स 10 रियाल की थी, ये एक ही पैकेट में ज़्यादा सी रिंग्स थी। तो बाकी कुछ मैंने अपनी सिस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी है और कुछ मेरे पास थी। और एक जो मैंने वॉच ली है वो मुझे अच्छी लगी थी काफ़ी, और ये वॉच मैंने मक्का से मदीना से ली है, ये वॉच मैंने मदीना से ली है, और ये टच करने पर इस तरह से टाइम दिखाती है, और ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल रही थी, सस्ती इनफैक्ट मुझे लग रही थी। और ये थी 10 रियाल की, 10 रियाल की ये वॉच है, और इसमें डिफरेंट कलर थे। बाकी इस तरह के हम लोगों ने की रिंग काफ़ी सारे लिए थे जो बाकी सबको भी हम लोगों ने दिए। और ये एक मेरे पास है मदीना वाला, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ये वाले की रिंग, और ये वहाँ पर थे 2-2 रियाल या 3-3 रियाल के, ये भी वो मदीना के बेसमेंट सेल से मैंने लिए हैं। होपफुली आपको मेरी ये शॉपिंग पसंद आई होगी और आपको प्राइस का भी पता चल गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा फर्दर वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।